जय मसीह की। दोस्तों, यीशु के गीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यीशु के गीत में हमने आपको पिछली बार खंजड़ी का एक पैटर्न सिखाया था। आप लोगों ने फरमाइश की कि कुछ और पैटर्न सिखाए जाए। एक और खंजड़ी का पैटर्न लेकर के हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने। इजी पैटर्न है, 4x4 के रिदम का है। कई गानों में लगता है, जैसे कितना महान परमेश्वर, हम आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे, बोलो जय मिलकर जय रब की, होवेसना हमेशा परम पिता की। कई गीतों में आप इनको यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है इसको, बहुत आसान तरीका। आइए दोस्तों सीखते हैं इस पैटर्न को। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, खंजड़ी पकड़ने का जो तरीका है वो फिर देख लीजिए आप। ये हैंडल का निशान है, अगर नहीं भी होता तो उसमें एक अंगूठे का निशान होता है, जो गोल वाली खंजड़ी होती है। इस तरह से पकड़ना है इसको। और जैसे हम एक गीत का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कितना महान परमेश्वर। तो गाना कहते कितना महान परमेश्वर। अब जो खंजड़ी इस पर बजानी, कितना महान परमेश्वर, ये तो खंजड़ी नॉर्मल हो गई। लेकिन जिस पैटर्न को आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो पैटर्न जो है वेव पैटर्न कहलाता है। ये इस तरीके से, ये वेव, ये कलाई का आपने प्रयोग करना है, इसमें इस तरह से होल्ड करना है, और तब ये जो इसके जिंगल्स हैं वो अपनी साउंड देंगे, आवाज़ देंगे। तो किस तरीके से इसको मूव करना है, गाने में किसी भी गीत में इस खंजड़ी पैटर्न को शुरू करने से पहले आपको दो बार हिट करना है। और देखिए, ये जो बोन है यहाँ पर हिट करिएगा, यहाँ करेंगे तो आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन ये जो मजबूत हिस्सा होता है हथेली का, पाम का, तो आप बजाय यहाँ हिट करने के इसको यहाँ हिट करिए। आवाज़ भी तेज़ आती है, अच्छी निकलती है, और इसमें आपको पेन भी नहीं होता, और काफ़ी देर तक आप इसको बजा सकते हैं। तो दो बार प्ले करने के बाद, और फिर ये 3, और फिर वापस 4, और फिर 1 2। कैसे चलन रहेगा इसका, मैं एक बार आपको बजा के सुना देता हूं, उसके बाद बता दें। कितना महान परमेश्वर, अब देखिए इसमें कितना महान, इसको 2 से शुरू करके कैसे टक 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 टक, कितना महान परमेश्वर। इसकी जो ऑडियो है, आवाज़ है, इसके अंदर चिक 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 आपको सुनाई दे रहा है। ये पैटर्न अगर आप अपने दिमाग में बोल सकते हैं या रट सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। जैसे टक 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 टक, चिक 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 चिक, लक 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 लक, कुछ भी, कोई भी वर्ड आपको आपको समझ में आता है, आप इसमें बोल सकते हैं। जैसे टिक 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 टिक, और जो वेव मैंने आपको, वन टू, और फिर 3, और फिर 4 आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। जो ये टाइमिंग आ रही है, और ये 3 4 जो है वो एक साथ आना है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। कितना महान परमेश्वर, आवाज उठाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। आप देख रहे, किसी भी गीत पे पैटर्न वही रहेगा, टक 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 टक। तो करना क्या है, प्रैक्टिस जो आपको करनी है, इस तरीके से सामने रख के हथेली पे 2, तीसरा लेते ही 4 टक टक टक, यानी ये एक तरीके से स्विच है इसका, टक 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 टक, फिर देख, और उसके बाद वो पैटर्न चलेगा। फिर आपको 2 2 2 नहीं बजाने, ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, और फिर जो मैंने आपको छल्ले पे सिखाया था, टक टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक, वही जो छल्ले पे ढोलक पे बताया था, वैसा ही पैटर्न इसका है, और आराम से बताता हूं आपको। अब ये रिपीट होता जाएगा, कुछ लोग इसको इस तरह भी बजाते हैं, कुछ लोग हथेली पे भी बजाते हैं, कुछ ऊपर हाथ उठा करके भी करते हैं। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको इजी आपके लिए बजाने के लिए, बट तरीका वही रहना है,
अपना ये गीत सुनाएंगे। और फिर जो तोड़ आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका इसी पैटर्न को बजाने का, अब ये तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, मेरी गाने की आवाज़ ही दब गई। मान लीजिए आपकी मंडली में कम लोग हैं, कम बजाना चाहते हैं, खंजड़ी को इस तरीके से पकड़िए, दोनों फिंगर जो हैं आपकी वो इस तरीके से आ जाएंगी, यानी एक, और पैटर्न वही रहेगा, आवाज उठाएंगे टिक 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 टिक, पहले दो से शुरू देखे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, आवाज उठाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आप इसको यानी कि खंजड़ी को किसी भी तरीके, अगर आपके दिमाग में पैटर्न है तो आप इसको ये कर सकते हैं, और जो मैंने बताया ये भी कर सकते हैं, या सिंगल हाथ से भी वही पैटर्न, बस वो दिमाग में आपके ये आना चाहिए। और आप ऑलमोस्ट जितने 4/4 के गीत हैं उनमें आप इस पैटर्न को बजा सकते हैं, और बहुत अच्छा साउंड करता है, बहुत ही अच्छी इसमें पैटर्न की आवाज़ आती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा, और कोई पैटर्न आप सीखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा वही है कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैंगे। हमारी वेबसाइट है yeshukegeet.com, इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, और वहाँ पर हमने गानों के पैटर्न्स और कॉर्ड्स, हमने वहाँ पर गानों के कॉर्ड्स डाल दिए हैं, हमने वहाँ पर गानों के लिरिक्स रख दिए हैं, और कोई गानों के अगर आपको लिरिक्स और चाहिए या आप सीखना चाहते हैं तो भी हमें आप लिखिए और बताइए, और आप हमारे पास वहाँ पर ब्लॉग से भी जुड़ सकते हैं। तो देखते रहिए yeshukegeet.com।